सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले वाटर कलर टिप्स से अमित भैया का पेंटिंग। तो मैंने इस वाटर कलर जो 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग शीट को हल्के से गीला कर लेंगे बैकग्राउंड को, और उसके बाद हम लोग कलर फिल करेंगे। और बैकग्राउंड को पहले करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बाद में बैकग्राउंड कलर फिल करने में बहुत ही दिक्कत होता है, कलर वगैरह चढ़ जाता है तो पेंटिंग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमने पहले बैकग्राउंड को किया। आप चाहे तो पहले फेस को भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है। और इसमें मुझे बेहतर इसी में लगता है, तो इसीलिए मैंने इस प्रकार से शुरू किया हूँ। और उसके बाद फेस पर भी मैं हल्का पानी से गीला कर लूँगा, और उसके बाद कलर फिल करूँगा। तो फर्स्ट लेयर बहुत ही हल्का कलर फिल करना है ध्यान से, और सेकेंड लेयर उसके बाद हल्का हल्का करके डार्क एरिया को कवर करना है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो मैं किसका बनाऊँ आप लोग हमें कमेंट जरूर करिए, और कौन सा कलर से मैं पेंट करूँ, वाटर कलर या पेंसिल कलर या पोस्टर कलर या कुछ भी ऐसे। तो डार्क एरिया को फिल करने के लिए आपको धीरे धीरे डार्क एरिया को हल्का हल्का करके फिल करना है। एक बार में पूरा डार्क मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पेंटिंग बहुत ही ख़राब हो जाएगा। आपको धीरे धीरे डार्क करना है, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह से लेयर बाई लेयर आपको काम करना है, तभी एक आपका पेंटिंग सही बन पाएगा। एक बार में वाटर कलर में आपका अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका अच्छा ज़रूर बनेगा। फर्स्ट टाइम जो पेंटिंग मैंने बनाया था बहुत ही ख़राब हुआ था। मुझे लगा था कि मैं कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊँगा वाटर कलर से, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ करते करते। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे करीब 4 घंटा लगा है, और इसको बनाने के लिए रात में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि लाइट बहुत ही मेरा ब्लिंक कर रहा था, इसलिए लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में।
तो गाइस मेरा लगभग पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो को कैसे लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो किसका बनाओ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।